सभी दोस्तों को वेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित क्रांति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। यह प्रश्नोत्तर आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पार्ट थ्री है नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित क्रांति, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का। तो समय में देरी न करते हुए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तर की ओर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। आज का पहला प्रश्न, भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में हाइड्रो ऊर्जा का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 26%। नाभिकीय ऊर्जा का योगदान 3%, स्वच्छ ऊर्जा का योगदान 6% है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो की ओर। प्रश्न नंबर दो, देश में प्रतिवर्ष लगभग कितने किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है 5000 ट्रिलियन किलोवाट। 5000 ट्रिलियन किलोवाट देश में प्रतिवर्ष सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर की सतह पर कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है 1.36 जूल सौर ऊर्जा प्रति सेकंड प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर चार, देश की पहली सौर ताप प्रणाली की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान के जोधपुर जिले में मथनिया गांव में 140 मेगावाट की एक समन्वित और संयुक्त तक बिजली सहित 35 मेगावाट का सौर ताप लगा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँच की ओर। प्रश्न नंबर पाँच, विश्व की सबसे बड़ी पास प्रणाली कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है यह भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुमाला में, जिससे लगभग 15,000 लोगों का भोजन एक साथ बन सकता है। प्रश्न छः, सोलर पॉन्ड क्या है? तो इसका सही उत्तर है एक बृहद ऊर्जा संग्राहक। प्रश्न सात, 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले परियोजनाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही उत्तर है लघु पन विद्युत ऊर्जा। प्रश्न आठ, भारत में लघु पन बिजली क्षमताओं का लगभग आकलन किया गया? तो इसका सही उत्तर है 15,000 मेगावाट। प्रश्न नौ, लघु पन बिजली परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व वैश्विक पर्यावरण सुविधा के अंतर्गत किस नाम से स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है पर्वतीय विद्युत परियोजना के नाम से। प्रश्न नंबर 10, OTEC का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। OTEC का पूरा नाम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। प्रश्न 11, देश में ज्वार ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कुल संभावित क्षमता लगभग कितने मेगावाट है? तो सही उत्तर है 9,000 मेगावाट। प्रश्न 11, ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित देश का पहला विद्युत गृह? तो सही उत्तर है 3.75 मेगावाट क्षमता का पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में स्थापित है। प्रश्न 12, भारत में समुद्री ताप ऊर्जा की अनुमानित क्षमता क्या है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 5,000 मेगावाट। प्रश्न 13, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश भर में कितने गर्म झरनों की पहचान कर ली गई है? तो इसका उत्तर है 340। प्रश्न 14, चेन्नई की मैसूर शुगर कंपनी ने एल्कोहल एवं पेट्रोल को किस अनुपात में मिश्रण से पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में सफलता पाई है? तो इसका सही उत्तर है 25:75। प्रश्न 15, भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा सेज में स्थापित हुआ। प्रश्न 16, द्वितीय विश्व बायोडीजल कांग्रेस एवं एक्सपा का आयोजन हुआ? तो इसका सही उत्तर है 6-7 दिसंबर को, और यह कहाँ हुआ? यह अमेरिका के मेक्सिको में हुआ। प्रश्न 17, बायोगैस को और किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका उत्तर है जैविक गैस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 18, भारत में जैव ईंधन की वर्तमान उपलब्धता लगभग कितने प्रतिवर्ष है? तो इसका सही उत्तर है 120 से 150 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऊर्जा डेटा प्रकाशित करती है? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। प्रश्न 20, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा बताए गए अनुसार वर्ष 2018 में ऊर्जा मांग में वृद्धि की थी, वृद्धि क्या थी? तो इसका सही उत्तर है 2.3%। दोस्तों, यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।